इंक्रोचमेंट यानी कि तजावुजात हमेशा से शहर कायद का एक बहुत बड़ा मसला रहा है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कराची शहर में वक्तन फवक्तन जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चलती रहती हैं, जो कि बड़ी हद तक कामयाब भी होती है। आज हम मौजूद हैं शारे फैसल पर और मेरे साथ मौजूद है मुसर्रत साहब जो कि डायरेक्टर लैंड है। इनसे मैं जानती हूँ आज हम जो है शारे फैसल के कहाँ तक जो है आज हम लोग ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव रन कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। और सर ये बताएगा काफ़ी बिजी एरिया है ये कराची का, ये अभी हम लोग मेन रिंग रोड पे मौजूद है, यहाँ से लेके आगे कहाँ तक जो है आज इंक्रोचमेंट ड्राइव चलेगी? मलीर हार्ट एयरपोर्ट तक जाएंगे, बहुत साइड मेट्रो पुल तक जाएंगे। ये फैसल बिल्कुल क्लियर करना, जितनी भी इंक्रोचमेंट है, हर्डल्स हैं जो भी हैं उन सबको। अच्छा सर ये बताएगा कि यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट है वो ज्यादातर क्या मूवेबल इंक्रोचमेंट है या पक्की इंक्रोचमेंट है? मूवेबल ज्यादा है और ठेले पथारे टाइप के नहीं है, ठेले ज्यादा है और जो क्या कहते हैं केबिन वगैरह है, ठीक है, तो उन सबको रिमूव करना है। शारे फैसल, ठीक है शारे फैसल से चले जी। ठीक है, बड़ी इंक्रोचमेंट ड्राइव है ये, पुलिस फोर्स भी हमारे साथ मौजूद है और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के जो अक्सर आने वाला है वो भी हमारे साथ मौजूद है। अभी हम लोग आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि तजावुजात के खिलाफ ये मुहिम किस तरीके से आगे बढ़ती है। शहर कायद में हर तरफ कब्जा माफिया का राज क्यों है? सड़क पे कार, फुटपाथ पे दुकानदार, मैदानों में ठेकेदार और कब्रिस्तानों में चलाते हैं जादू का कारोबार। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कब्जा माफिया का ही राज है, क्योंकि ये माफिया हुकूमती जमीन पर नाजायज कब्जा करना अपना जायज हक समझती है। सवाल यह है कि खुलेआम होते इस जुर्म के सामने कानून इतना बेबस क्यों है? वक्ती तौर पर इस कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाती है और पाबंदियाँ भी आयद की जाती है, लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ चंद ही दिनों बाद ये बेकाबू पूरी आजादी से चारों ओर चकराता नजर आता है और कानून नाफिज करने वाले इदारे इसका चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यहाँ यकीनन जरूरत इस बात की है कि इस कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त और मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाई की जाए और इसे जड़ से ही उखाड़ फेंका जाए। ये पहला स्पॉट है शारे फैसल पर जहाँ पर अभी हम लोग इस टाइम मौजूद हैं और यहाँ पर मूवेबल इंक्रोचमेंट जो है वो लगी हुई है। एक पाम का केबन यहाँ पर नजर आ रहा है जिसको अभी यहाँ से हटाया जा रहा है। चूंकि ये शारे फैसल है और ये कराची का एक बहुत ही ज्यादा मसरूफ तरीन रोड है, लिहाजा इस जगह को यहाँ पर जो है इस टाइम इंक्रोचमेंट फ्री किया जा रहा है। ठेले वगैरह पाम के केबन वगैरह इस टाइम यहाँ से उठाए जा रहे हैं और अभी हम लोग आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे मजीद क्या कार्रवाई हो रही है। कायद की खूबसूरती को दागदार करती नाजायज तजावुजात अपने पर फैलाते फैलाते तकरीबन पूरे ही शहर पर काबिज हो चुकी हैं। गली महल्ले, स्कूल, अस्पताल, मैदान, सड़क या फुटपाथ, शायद ही कराची का कोई कोना ऐसा हो जो इस कब्जा माफिया के शर से बच पाया हो। यह आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पान का केबिन है जिसको यहाँ से अभी हटाया जा रहा है। काफी ठेले वगैरह भी जो है इस टाइम एंटी इंक्रोचमेंट के महकमे ने उसको अपने जो है अभी तसरुफ पे लिया है और पीछे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी खासी जो है गर्मा गर्मी का माहौल यहाँ पे पैदा हो गया है। बताइएगा कि अभी यहाँ पर क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी जो केबिन लगा लेते हैं ना पान के इनके, उससे ना ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को परेशानी होती फुटपाथ पे चलने की, तो ये सारे केबिन वगैरह को इनको हम लिफ्ट करके। और सर अभी यहाँ पर कितने केबिन वगैरह मौजूद थे? अभी हमें तो दो ही मिले, दोनों एक डाल दिया, एक अभी उठवा रहे हैं इसको। अच्छा। सारा साफ। और सर इनका सामान वगैरह उसका क्या होगा? सामान जब ये आएंगे इनको हम सामान वापस कर देंगे, केबिन वापस नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, चले जी। क्या कह रहे? वो स्टोर में जमा हो जाएंगे। अच्छा केबिन इनका स्टोर में जमा हो जाएगा। अच्छा ये बताएगा कि आगे काफी जो लंबा रोड है ये, आगे आपको क्या लगता है कि आगे यहाँ पे जो कितने यहाँ पे जो केबिन वगैरह आगे मौजूद होंगे?
तकरीबन होंगे 400-450 के बीच तकरीबन। तो आज सबको साफ करना है यहाँ से, सब क्लियर करना है आज। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। यहाँ से तकरीबन 400-450 जो है यहाँ पर केबल और ठेले वगैरह मौजूद हैं जिनको यहाँ से साफ किया जा रहा है। सामान वगैरह जो है यहाँ पर लोगों को उनको दे दिया गया है, लेकिन ये जो मूवेबल ये जो इंक्रोचमेंट है अभी इसको यहाँ से हटाया जा रहा है। सर किसी मुजाहमत का भी सामना करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है, पथराव भी होता है हम पे, लाठी चार्ज भी होती है कभी कभी हम पे, पत्थर भी फेंके जाते हैं, पानी भी फेंका जाता है हम पे, हर चीज का शिकार है हम। चले जी ठीक है जी। दुनिया भर में रिवाज है कि सड़कें गाड़ी चलाने के लिए और फुटपाथ इंसानों के चलने के लिए होते हैं, लेकिन इस शहर कराची की गंगा इस कब्जा माफिया ने उल्टी बहा रखी है। यहाँ सड़कें इंसानों के चलने के लिए और फुटपाथ पान छाले के केबिन और पथारे सजाने के लिए हैं। यहाँ हम पर यह हैरानकुन और अफसोसनाक इंकशाफ हुआ कि सिर्फ शारह फैसल के फुटपाथों पर 400-450 नाजायज केबिन मौजूद हैं। अच्छा जी, काफी गर्मा गर्मी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है और जिसका केबिन है वो तो यहाँ पर कभी भी नहीं चाहेगा कि इतनी मसरूफ चारा पर से जो है उसका केबल यहाँ पर उठाया जाए, लेकिन जाहिर बात है महकमों का काम है कि वो अपना काम करें। और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी लिफ्टर यहाँ पे मौजूद है और लिफ्टर की मदद से यहाँ पर पान के केबल को यहाँ से उठाया जा रहा है। अच्छा जी, और साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि ये मेन रोड है और मेन रोड पर यहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक जाम ना हो, लिहाजा पुलिस फोर्स और ट्रैफिक पुलिस भी जो है यहाँ पर इस समय एक बड़ी तादाद में मौजूद है। काफी बड़ी आज की ये इंक्रोचमेंट ड्राइव है जो कि कराची की सबसे मरकजी शाहरा यानी कि शारे फैसल पर की जा रही है। अक्सर लोग यहाँ पर ये शिकवा करते हैं कि आप लोग अचानक से आ जाते हैं, तो क्या इसका सारा प्रोसीजर क्या है? पहले नोटिस दिया जाता है, 3 दफा इनको समझाया जाता है, इनकी समझ में नहीं आता है ठीक है, उसके बाद फिर हम ये अपनी कार्रवाई करते हैं। ठीक है ना, सही। चले जी आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि आगे जो है मजीद कितने स्पॉट्स वगैरह यहाँ पे मौजूद है। पान के केबल को यहाँ पर उठा लिया गया है, पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो एहलकार है वो भी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है और खासकर रश लग गया है इस जगह पर। कराची में लोगों को फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं मिलती और मिले भी क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कराची का हर फुटपाथ जो है इसी तरीके से इंक्रोच है, जिसको जहाँ जगह मिलती है, जिसको जहाँ जरा सा भी कोई स्पेस मिलता है वो वहाँ पर अपना अपना ठेला सजा के बैठ जाता है। अवाम क्या करे, अवाम कुछ भी ना करे, क्योंकि इन लोगों का यहाँ पर कारोबार चलते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग अब इस बात पे भी तनकीद करेंगे कि जी गरीब लोगों का रोजगार छीन लिया, लेकिन यहाँ पे बात रोजगार की नहीं है, यहाँ पे बात असूल की है। हम लोग 1 घंटे का टाइम खाली मांग रहे हैं इनसे, अपना सामान नहीं मिलेगा, कहाँ लेके जाएंगे हम, गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे। तो सब क्या होता है, आप मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि आप 45 साल से बैठे हुए यहाँ, 45 साल लेकिन इलीगल बैठे हुए ना। हम पहले नाजिम को कराया देते थे, जब से नाजिम खत्म हुआ है अब हम लोग जो है ना कंटोनमेंट बोर्ड वालों को कराया देते हैं, फी दुकान का 1500 रूपए देते थे। अच्छा बस, हाँ लेकिन ये जगह तो यहाँ पे जो हुकूमत की ना भाई जी, जी बात तो लोगों के चलने का है, माल डालेंगे खुदा और रसूल के लिए। देखो यार आप लोगों के आगे हाथ छोड़ते हैं, खुदा रसूल जी। लोग अब यहाँ पे थोड़ी सी मजाहमत कर रहे हैं और ये देखिए जी बदतमीजी हो रही है। और सर लोग यहाँ पर एक शिकायत
शिकायत ये कर रहे हैं कि यहाँ पे इनको पहले को प्रायर नोटिस नहीं दिया गया। नहीं, हमने दो दिन पहले ही बता दिया था और जबानी वर्बली इनको इंटीमेट कर दिया था कि ये पूरा शाहरा फैसल पूरा क्लियर करना है। नाजायज जगहों पर कब्जा किया जाता है, फिर नोटिस देने के बावजूद जब सरकारी इदारे इस नाजायज कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो गुर्बत की दुहाइयां देते और बेबसी जाहिर करते ये दुकानदार एकदम से अपनी मजलूमियत का चोला उतार के सामने डट जाते हैं। फिर चीख पुकार हो, गालम गलोच या हाथापाई, हर हर बार इनके लिए जायज हो जाता है। लोग अब यहाँ पे मजाहमत कर रहे हैं और अब लोग यहाँ पे जो है सरकार के काम में मुदाखलत कर रहे हैं और लोग यहाँ पे जो है अब ऑफकोर्स वो एक सिंपैथी वोट हासिल करना चाह रहे हैं। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 45 साल से यहीं पर ही बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल जो कि इलीगल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उल्टे हाथ पर ये सर, ये बताइएगा ये अभी इन अभी सामान का क्या होगा, सूट का क्या होगा? अभी ये सब स्टोर में जमा हो जाएंगे। काफी ये एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, पूरी शारे फैसल को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। ये अभी मलीर हॉल्ट का इलाका है और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एंटी इंक्रोचमेंट इदारे के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर अभी अपना काम कर रहे हैं। रोजाना जो है हजारों की तादाद में शहरी यहाँ पर गुजरते हैं और इसी तजावुजात की वजह से कराची शहर में रोजाना शाम के टाइम बदतरीन ट्रैफिक जाम होता है। मुसरत साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है अभी बिल्कुल एक जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तो बिल्कुल एक मंडी लगी हुई है, ये बताइएगा लोग यहाँ पर मजाहमत भी कर रहे हैं, ये जो सारा यहाँ पर जो फल फ्रूट वगैरह जो है इसका भी क्या करेंगे? ये फल फ्रूट जिनका है उनको हम कह रहे हैं कि उठा के ले जाएं वरना हम एडी में जमा करा दें। अच्छा, एडी में। और ये जो शेड वेड है ये पूरे छप्पर अभी तोड़ेंगे, अभी तोड़ेंगे। हाँ, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है और ये नाजायज है, बिल्कुल इल्लीगल। अच्छा सर, ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये इस दुकान का तकरीबन 1500 रुपए किराया देते हैं कंटोनमेंट बोर्ड का। इसका कोई किराया नहीं होता, कोई रेंट नहीं होता, ये फुटपाथ है, आप देख रहे हैं फुटपाथ के ऊपर इन्होंने कायम की हुई है, ठीक है। ये तजावजात हैं। और सर लोग यहाँ पर एक शिकायत ये कर रहे हैं कि यहाँ पर इनको पहले को प्रायर नोटिस नहीं दिया गया। नहीं, हमने दो दिन पहले ही बता दिया था और जबानी वर्बली इनको इंटीमेट कर दिया था कि ये पूरा शाहरा फैसल पूरा क्लियर करना है, ठीक है। तो तमाम जगह पे बता दिया था उनको। फुटपाथ पे जो होते हैं ना, फुटपाथ पे उसको नोटिस नहीं दिया जाता, फुटपाथ पे अनऑथराइज है, इसको हम जब चाहें इसको हटा सकते हैं, इनमें कोई हमारी वो नहीं है, तमाम नहीं है इसके अंदर। लेकिन फिर भी मुसरत साहब ने हमें यहाँ पे बताया कि दो दिन पहले इन लोगों को यहाँ पर वर्बली कम्युनिकेट कर दिया गया है। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि अभी चूंकि यहाँ पर सामान वगैरह बहुत ज़्यादा है लोगों का, तो अभी आपकी यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी है? ये इनके फ्रूट्स वगैरह हैं, ये ज़ाया ना हो, ख़राब ना हो। हाँ। और इनकी ये मजामत भी कर रहे हैं तो इनको हम थोड़ी देर का टाइम दे रहे हैं,
ताकि ये अपना सामान अपने अशिया हटा ले, फिर इसको आगे हम और हम लोग दोबारा यहाँ पर आएंगे, फिर आएंगे जब आगे लैंड से करके दोबारा फिर ठीक है जी। ठीक है जी, थोड़ा सा यहाँ पर अभी इन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दिया गया है ताकि जितना भी इनका जो यहाँ पे सामान वगैरह मौजूद है उसको यहाँ पर जो है 10 मिनट 10 से 15 मिनट अच्छा कीमती सामान सेव कर ले, बाकी हम रिमूव करेंगे इसको। अच्छा जी, 10 से 15 मिनट का यहाँ पर इन लोगों को अभी टाइम दिया गया है ताकि ये जो दुकानदार है ये अपना सारा सामान वगैरह जो है इसको जो यहाँ से फिर रिमूव कर ले, और थोड़ी देर के बाद जो है एंटी इंक्रोचमेंट महकमे की टीम इस जगह पर दोबारा आएगी। सालों से सजी नाजायज दुकानें रोजाना सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का कारोबार करती हैं। इनके लिए मुफ्त की दुकान बन जाती है मुनाफे की कान, तो बिन इन्हें क्या जरूरत है कि लाखों रुपए खर्च करके जायज दुकान खरीदें या हजारों रुपए किराया अदा करें। जब माल मुफ्त हाथ लगा हुआ है तो दिले बेरहम खुशी क्यों ना मनाए। सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब इस समय मेरे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताएगा काफी ग्रैंड ऑपरेशन ये अभी तक हमें लग रहा है, मज़ाहमत भी अभी तक यहाँ पे काफी देखने में आ रही है, ये बताएगा कि अभी आगे का क्या प्लान है? यहाँ बिल्कुल, हम ये मलिर हाल से हमारा ये प्रोग्राम शुरू है और हम यहाँ से सीधा टूवर्ड जाएंगे मेट्रो मेट्रोपोल होटल तक। इसे दोनों तरफ में जो भी इंक्रोचमेंट है हम उसको ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह ताला, और यहाँ पर जो भी मज़ाहमत होगी हमारे साथ सिक्योरिटी भी है, इंशाल्लाह हम उनको आपके सामने गिरफ्तार भी करेंगे लोगों को और उनके खिलाफ FIR भी कटवाएंगे। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मेरी अभी यहाँ पर लोगों से बात हो रही थी, लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो इन फुटपाथों पर तकरीबन 45 साल से अपना काम कर रहे हैं। देखें, जो 40-45 साल से भी काम गलत हो रहे हैं तो इसको अब हम सीधा करने जा रहे हैं। ये रोड जो है हम एक मॉडल रोड बनाने जा रहे हैं, इस मॉडल रोड के ऊपर कोई भी इंक्रोचमेंट और किसी किस्म की भी तजावजात जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसमें हम सिर्फ रोड ही ना बल्कि पेनाफ्लेक्स भी, बैनर्स भी, और यानी कि खूबसूरत ब्यूटीफिकेशन का जो एक मॉडल है जिसको मेयर कराची और हमारे मेट्रोपोल कमिश्नर जनाब डॉक्टर सफर रहमान ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है एडिशनल IG के साथ, उस प्रोग्राम के तहत हम एक पहली ये रोड है जिसको हम ब्यूटीफिकेशन में लेके जा रहे हैं। 6-7 हमने सड़कें चॉइस की हैं जिसको हम मॉडल बनाएंगे जिसमें कोई भी तजावजात नहीं होगी, कोई भी पेनाफ्लेक्स, बैनर और किसी किस्म की भी कोई भी चीज़ें नहीं लगी होगी। अच्छा बशीर से बताएगा कि एक आर्गुमेंट यहाँ पर ये आता है कि इंक्रोचमेंट का जो अमला है वो तो अपनी कार्रवाई यहाँ पे करता है, लेकिन हम लोग फिर बाद में ये देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद के पथारे वाले, के ठेले वाले दोबारा अपनी अपनी जगहों पर आ जाते हैं। जी हाँ, उसके लिए एक हमने बाकायदा एक मीटिंग की है एडिशनल IG साहब से और DIG ट्रैफिक के साथ मिलकर, जिसमें मेयर कराची भी थे और MC साहब में मेट्रो कमिश्नर भी साहब थे। उसमें ये डिसाइड हुआ है कि आफ्टर ऑपरेशन के बाद इलाका SHO की ड्यूटी लगाई जाएगी कि वो इसको मेंटेन करेंगे और जो लोग यहाँ पर दोबारा कायम करेंगे उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है सर जी, अभी हम लोग आपके साथ ही मौजूद है। चलो जी, यहाँ पर भी इनका ये कहना है कि इंक्रोचमेंट खत्म करवाने के बाद ये इलाका SHO की जिम्मेदारी है कि उस मुतलका इदारे में वापसी से कोई जो है तजावजात कायम ना हो सके। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और आगे जाके देखते हैं कि आगे जाके मजीद क्या कार्रवाई होगी। जी, 15 से 20 मिनट का यहाँ पर इन लोगों को ग्रेस टाइम दिया गया था कि 15 से 20 मिनट के अंदर ये लोग अपना सामान वगैरह यहाँ से हटा लें, और अब चूंकि 15 से 20 मिनट का टाइम गुजर गया है और इन लोगों को 2 दिन पहले जो है बकायदा इंटीमेट भी किया गया है कि यहाँ पर एक इस किस्म की जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोगों ने इस फुटपाथ को खाली नहीं किया, तो अब जो है बाय फोर्स इस फुटपाथ को यहाँ पर खाली करवाया जा रहा है क्योंकि ये फुटपाथ आपके और मेरे चलने के लिए है। अच्छा जी, अभी टेम्पररी तौर पे जो है
अच्छा जी, अभी ये बांस यहाँ पे काटे जा रहे हैं जिनको टेम्पररी तौर पे यहाँ पे लगाया गया है, और इन बांसों की वजह से जो है यहाँ पर छोटी छोटी जो है दुकानें बकायदा बनी हुई हैं। और यहाँ पे लोगों ने हमें यह बताया है कि गुज़िश्ता 45 साल से ये लोग जो है कराची के फुटपाथ पर इसी तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर यकीनन तनकीद भी करेंगे, चले जी खाने पीने की चीज़ों की बेहरमती हो रही है, और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ये भी पॉइंट रेज करेंगे जी चले जी गरीबों के कारोबार की ऐसी की तैसी कर दी। लेकिन यहाँ पर बात जो है वो कानून पर इम्प्लीमेंट करने की है। दुनिया के कौन से ऐसे महजब मुल्क में होता है जहाँ पर आवाम फुटपाथ पर नहीं चल सकती है, जहाँ पर आवाम जो है रश के टाइम पे सड़कों पे चलती है और फुटपाथ जो है आगे से लेके पीछे तक सारे के सारे इंक्रोच्ड है। एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है, और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फुल स्विंग में इस टाइम अभी ये जो है एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी है। अच्छा जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ में जो है इस टाइम यहाँ पे ऑपरेशन जारी है, और बड़ा जो है पक्का इंतजाम यहाँ पर किया गया है हर चीज का। बिजली के कुंडे भी जो है इस टाइम यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और जाहिर बात है एक बड़ी एक मुनज्जम तरीके से जो है इस इंक्रोचमेंट को आगे फैलाया जा रहा है। अच्छा जी, आप यहाँ पे ये देखिए जरा, यहाँ पर जो है बकायदा यहाँ पर अभी हाथापाई हो रही है, और बकायदा जो है यहाँ पर अभी इस टाइम हाथापाई स्टार्ट हो गई है, और अभी आप यहाँ पे मनाजर देख सकते हैं। चमकती दमकती दुकानें, लेकिन आदत से है मजबूर क्योंकि नियत में है फुतूर। यहाँ हर नाजायज काम करने वाला खुद को जायज समझता है। दुकानें हैं कि अपनी हदूद से बाहर, और फुटपाथ है कि दुकान के अंदर। तजावुजात अपनी हद से बढ़ा लेना और पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा लेना, आवाम बेचारी जाए तो जाए कहाँ। और इसी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के सिलसिले में अभी हम लोग तीसरे स्पॉट पे मौजूद है। ये फलकनास प्लाजा का जो है ये जगह है, और अभी यहाँ पे जो है बड़े जोरों शोर के साथ जो है अभी यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं कि इस जगह पर किस किस्म की कार्रवाई की जा रही है। फुटपाथ खाली करो सारे। अच्छा बशीर साहब, ये बताइएगा कि हर जगह पर एक ही तरह की सिचुएशन है जी। मेरे को सर ये बताइएगा कि हर जगह पर एक ही तरह की सिचुएशन है, कराची की कोई गली कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि अब हमने इंशाल्लाह ताला इस आगाज कर दिया है, अब आपको हम 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह। डे बाई डे आपको एक मॉडल लेकर जाएंगे, हर मॉडल पर शुरू करेंगे, ये सड़क मॉडल बन गई, ये सड़क मॉडल बन गई। अब इसके साथ कोऑर्डिनेट हो गया, असल में हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं था इलाका असिस्टेंट कमिश्नर इलाका पुलिस का, अब एडिशनल आईजी ने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया है। आइए जी आगे चलते हैं, और ये जो है इरशाद स्वीट्स एंड बेकर्स है, और आप जरा यहाँ पर इन लोगों की जरा यहाँ पर ढटाई देखे के इन लोगों की दुकान की लिमिट कहाँ पे खत्म हो रही है, और गैर कानूनी तरीके से दुकान को किस तरीके से इतना आगे बढ़ाया गया है, और उसके ऊपर फिर चोरी और ऊपर से सीधा चोरी। कहीं ना
नाजायज बढ़ी हुई दुकानें हैं तो कहीं फुटपाथों को घेरे ठेले और पथारे, कहीं गाड़ियों और बाइकों को रोड के बीचों बीच या दोनों अतराफ पार्क कर दिया जाता है तो कहीं चाय के होटल का ही इफ्तिताह कर दिया जाता है। यूं ना तो फुटपाथ पर चलने की जगह बचती है और ना ही सड़क पर गाड़ी गुजरने की। देखिए जी, यहाँ पे लोगों को जो है गिरफ्तार भी किया जा रहा है, जो लोग यहाँ पे मजाहमत कर रहे हैं, पुलिस एहलकार इन लोगों जो है यहाँ पर गिरफ्तार कर रहे हैं। खासी गर्मा गर्मी की सूरत हाल यहाँ पर हो गई है। और ये देखिए जी, ऐसा ही होता है जब एंटी इंक्रोचमेंट जब ड्राइव होती है। और यहाँ पर अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर दुकानें हैं और आप यहाँ पर देखें कि दुकानों के शटर कितने आगे हैं और गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर दुकानें किस कदर आगे बढ़ाई गई हैं। ना सिर्फ दुकानें बल्कि सड़कों को भी जो है यहाँ पर इंक्रोच कर लिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर शाम के औकात में बल्कि जो है रोजाना ही जो है यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो जाता है। और ऊपर से फिर यहाँ पर लोगों की मजाहमत है कि गलत काम को भी यहाँ पर लोग गलत भी नहीं कहते हैं। बिल्डर की कॉरिडोर होता है जिसमें पब्लिक चलती है, ये उसके ऊपर भी अपनी दुकान मौजूद कहते हैं कि ये हमारी दुकान है, ये पब्लिक के नहीं है, ये समथिंग, ये फुटपाथ यानी कि पब्लिक कॉरिडोर इंक्रोच नहीं हो सकता, इंक्रोच उसमें कुछ नहीं रख सकता, सिर्फ पब्लिक चलेगी उसमें, क्योंकि मौसम खराब हो, बारिश हो तो इसमें पब्लिक चलने की जगह है। ठीक, पब्लिक प्लेस है, ठीक है ना, ये इनकी जगह नहीं है, ये एसपी है। ये जो कॉरिडोर्स होते हैं जो कि हम लोग अक्सर देखते हैं, क्योंकि कराची में जो है फ्लैट्स बहुत ज्यादा होते हैं और हम लोग अक्सर देखते हैं कि फ्लैट्स के नीचे जो है बिल्डर्स हजरात जो है अक्सर कॉरिडोर बना देते हैं ताकि आवाम की सहूलत के लिए वो कॉरिडोर जो है काम आ सके। लेकिन इसके बावजूद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि उन कॉरिडोर्स को भी जो है इन दुकानदारों ने इनक्रोच कर लिया है। मसरूफ सड़क है ये और थोड़े ही फासले पर यहाँ पर कराची एयरपोर्ट भी मौजूद है, शाहरे फैसल है यहाँ पर और शहर की मरकजी शाहरा है ये, और अक्सर औकात जो है यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से आम आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उल्टे हाथ पर दुकानें हैं, दुकानों की आप कॉरिडोर देख सकते हैं कि दुकानों के सारे कॉरिडोर यहाँ पर इंक्रोच्ड हैं। सीधे हाथ पर जो है यहाँ पर मैकेनिक्स की भी दुकानें हैं, जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा सर्विस रोड यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर इंक्रोच किया गया है। फलकनास प्लाजा है ये, और कराची में जो लोग रहते हैं वो बड़ा बखूबी इस इलाके से वाकिफ है। लिटरली सर्विस रोड पे जो है एक मोटरसाइकिल भी गुजरने की यहाँ पर जगह नहीं है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के बाद इस बात को यहाँ पर इंश्योर किया जाए कि इंक्रोचर्स दोबारा इस जगह पर आकर कब्जा ना कर सके। आइए आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। ये देखिए जी, धड़ाधड़ इंक्रोचमेंट जो है यहाँ से हटाई जा रही है, लोग यहाँ पर मजाहमत कर रहे हैं, लोग यहाँ पर लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है कराची शहर को खूबसूरत बनाने के लिए ये इंक्रोचमेंट यहाँ से हटाई जा रही हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, आप यहाँ पे ये देखिए जरा, यहाँ पर जो है बकायदा यहाँ पर अभी हाथापाई हो रही है और बकायदा जो है यहाँ पर अभी इस टाइम हाथापाई स्टार्ट हो गई है और अभी आप यहाँ पे मनाजर देख सकते हैं। ये देखें, अच्छा जी, यहाँ पे जरा आप देखें कि यहाँ पर खुली बदमाशी है मैकेनिक्स की यहाँ पर, और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंतहाई गर्मा गर्मी यहाँ पर हो गई है और लोग यहाँ पर शदीद मजाहमत कर रहे हैं और लोग यहाँ पर सरकार के काम में
مداخلت کر رہے ہیں اور لڑائی یہاں پر ہو رہی ہے، باقاعدہ ہاتھا پائی یہاں پر ہوئی ہے۔ زور زور سے چلاتے اور پاری کی طرح مچلتے صاحب یقیناً کسی ایسی ہی دکان کے مالک ہیں جس کے سامنے کی کئی فٹ جگہ دکان میں ناجائز طریقے سے شامل کر لی گئی ہے۔ اپنی دکان ناجائز طریقے سے مجرمانہ حد تک آگے بڑھاتے اور پورے فٹ پاتھ پر قبضہ کرتے وقت ان کے اندر کا انسان تو نہیں جاگا، لیکن آج یہ ناجائز قبضہ چھوڑنا پڑ رہا ہے تو اندر کا حیوان ضرور جاگ گیا ہے۔ اچھا جی، ابھی جو ہے یہاں پر پنکچر مشین یہاں پر ہٹائی جا رہی ہے اور یہاں پہ کس قدر زیادتی ہے کہ دکانوں سے چار چار پانچ پانچ فٹ ابھی یہاں پہ لوگ جو تجاوز کر گئے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر لوگوں کی ڈھٹائی جو کی تو ہے وہ دیکھیں ذرا، یہاں پہ صورتحال یہاں پہ بالکل بھی سنبھلنے میں نہیں آ رہی ہے۔ انتہائی یہاں پر جو ہے گرما گرمی کے مناظر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں کیا کروں گا، چاہے ہوٹل ہو، چاہے دکانیں ہو، چاہے یہاں پہ میکینکس ہو، یہاں پر عزم یہ ہے کہ ایم سی کے اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کہ آج یہاں پر اس جگہ کو جو ہے بالکل انکروچمنٹ فری کرنا ہے۔ شدید مزاحمت یہاں پر ہو رہی ہے، لوگ یہاں پر شدید قسم کی مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو ہے پولیس اور کے ایم سی کے اہلکار جو ہے وہ ڈٹے ہوئے اپنی جگہ پر۔ ہوٹل کا یہاں پہ پورا سیٹ اپ اٹھایا گیا ہے اور یہاں پہ بھی جو ہے شدید مزاحمت یہاں پہ بھی دیکھی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس جگہ کو بھی اب یہاں سے کلیئر کروا لیا گیا ہے۔ یہاں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مترادف اپنے ناجائز کاروبار کو جائز سمجھنے والے یہ دکاندار اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں۔ ناجائز قبضہ کرنے کے باوجود یہ لوگ قانونی کاروائی کرنے والے اہلکاروں سے بحث و تکرار اور ہاتھا پائی تک پہ اتر آتے ہیں۔ انہیں نہ تو کسی قانون کا ڈر ہے اور نہ ہی کسی سرکار کا خوف۔ یہ سائڈ کی لائن پہ بھی یہ مافیا قبضہ کیا ہوا ہے اور بڑے جنگ قسم کی فضول قسم کی گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی ایکسپلوژن اور کوئی بھی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا سپورٹی رسک ہے، اس کو بھی ختم کیا ہم نے، مافیا کو بھی ختم کیا۔ آپ کی بڑی مہربانی، ہم آپ کام اچھا ہوا ہے، بہت زبردست کام کیا۔ پریشان تھے آپ لوگ کس کی وجہ سے؟ بہت پریشان، اچھا ہم بہت پریشان تھے، آپ نے بہت اچھا کام کیا اور اب تبدیلی کا ٹائم ہے، تبدیلی آنی چاہیے اور تبدیلی ویزیبل بھی ہونی چاہیے۔ 25 سال کے بعد کام ہوا ہے، بہت خوب ہے، بہت صحیح ہوا ہے۔ گڈ سر، یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آج آپ کے علاقے سے جو انکروچمنٹ ہٹائی جا رہی ہے، کتنی پریشانی تھی آپ لوگوں کو؟ بہت پریشانی تھی بیٹا، بہت پریشانی تھی۔ اچھا کام آج بہت اچھا ہوا، شاید گلی میں بھی گاڑیاں کھڑی ہیں، کئی سالوں سے کھڑی ہیں، وہ بھی اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ والا کام ابھی اچھا ہو گیا؟ اچھا ہوا۔ آپ بتائیں، آپ مطمئن ہیں؟ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اچھا مطمئن ہیں آپ لوگ؟ مطمئن ہیں۔ آپ بتائیں؟ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے۔ اچھا اچھا، کتنی بدماشی ہے یہاں ان دکانداروں کی؟ بس یہ سارا راستہ روک لیتے ہیں، یہ سروس روڈ ہے، یہ مین شہر ہے فیصل کی ایئرپورٹ کے اپوزٹ، تو یہ روک لیتے ہیں، اس سے عوام کو بڑی مشکلات کا سامنا۔ صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ انجام جس پہ ٹیم انجام بنی ایک ایسے گرینڈ آپریشن کا حصہ، یعنی کہ تجاوزات کا، جس نے کراچی شہر کی خوبصورتی کو گہنا دیا ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ قرۃ العین ہاشمی کو ٹیم انجام کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔